हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। ठंडी बहुत लग रही है इसलिए मैंने कैप पहनी है। इसलिए आप इतने कैप पहनी है। और अब होगी शाम, हम कर रहे हैं शाम से स्टार्ट वीडियो, क्योंकि आज बहुत ठंड हो रही है और बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं। देखो हमारे तो ठंड के मारे साफ करने का मन भी नहीं कर रहा है। गाइस, आपको एक डायलॉग सुनाओ। एक कॉल है मेरे पास, जब मैं छोटा था। सबको खानी है ब्रेड जैम लगा के, तो इसे ही दे रही हूँ। पहले दूध और ब्रेड, पानी का भी सो गया है, तो बस अब हम लोग चबन बना रहे हैं। चाय चाय पियेंगे और अक्षित खाएगा ब्रेड। ये लो, थैंक यू। दूसरी का है, दूसरे पे अभी लगा के दूंगी। ये पूरी दिखाते, ये देखो बोल रहा है मैंने गन बना दी है। पागलपन देखे, सारे चीजों में, खाने की चीजों में भी गेम ढूंढ रहे जाते हैं। ये ब्रेड चिपक गई थी तो टूट गई है। ये हो गई हमारी चाय तैयार, खोल खोल के अब बस डालते हैं और पीते हैं। क्या बोला है? कमेंट बॉक्स में लिखना कि अच्छी लगी चाय क्या नहीं। अगर अच्छी नहीं लगी तो लाइक ही मत करना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। गया उन लोगों को कैसे पता चलेगी कि अच्छी बनी है नहीं है? चाय तो अच्छी बनती है, चीनी चाय पत्ती डालते हैं और अदरक, अदरक डाल के चाय बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखो मिट्टू आज आनिक इन दोनों को परेशान कर रहा है, इनके सारे टेडी बियर ले लेता है। आनिक आनिक क्या हो गया? और ये मिट्टू अपने सारे टॉय लेके आ रहा है। ये देखो एलिफेंट कितना प्यारा लग रहा है और जिराफ भी ले आई है। गुड मॉर्निंग, और सुबह हो चुकी है। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अक्षित और आर्निक दोनों भाई नहा लिए हैं। बस मैं नहाऊंगी, सिर में तेल लगाया था मैंने पहले, इसलिए सर धो के तब नहाऊंगी। तो जब तक हम बना लेते हैं खाना। और आर्निक अभी सो गया है, मैंने उसे सुला दिया नहला के, वो सो रहा है वहाँ पे, वो रहा उस कंबल में। और बस अब हम चलते हैं किचन में। और अक्षित कल से कर रहा है मुझे खीर खानी है मम्मा, तो बस उसी के लिए मैं बना रही हूँ खीर थोड़ी सी, क्योंकि वो कई दिन से बोल रहा है मुझे कि मम्मा मुझे खीर खानी है, तो बस उसकी तैयारी कर रही हूँ। बच्चों को नहला दिया दोनों को, आज है छुट्टी सैटरडे, तो अक्षित की क्लास नहीं थी आज, तो बस पहले उन लोगों को मैंने नहलाया है। और अक्षित को तो उसकी बुआ ने नहला दिया था, क्योंकि मैं और काम कर रही थी, बर्तन साफ कर रही थी जब। और आर्निक को मैंने ही नहलाया है, उसे नहला के सुला दिया है। बस अब हम करते हैं खाने की तैयारी, क्योंकि अब हो गया लेट, फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो, क्योंकि फिर अक्षित को भूख भी लग जाती है जल्दी, फिर बोलेगा आके अभी बाहर गया हुआ है, अपनी स्कूटर चला रहा है, तो इसलिए मैं उसके लिए बस खाना बना लेती हूँ। खाना देखती हूँ क्या बनाती हूँ, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, देखते हैं फ्रिज में क्या है। चलो फिर बनाते हैं अक्षित के लिए खीर पराठे, क्योंकि थोड़ी सब्जी रखी है। हम बस चार लोग ही हैं, मैं, बेबी और मेरे दोनों बच्चे, तो बस पराठे बनना सेक रही हूँ। सब्जी रखी है और ये पराठे अच्छे लगते हैं, अगर सब्जी भी ना हो ना तो आटे में इसे, इस पराठे को आराम से खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी में नमक मिर्च डाल के इसको ऐसे चाकू शेप में बना के अच्छा लगता है, कोई सी शेप दे सकते हैं, बस मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। बस आज
सब्जी बनाने का मन नहीं था क्योंकि सब्जी रखी थी, ऐसा अब शाम को ही बनाऊंगी। बस ये पराठा बन गया है और अक्षित की खीर भी बन गई है। अक्षित की खीर बन के हो गई है तैयार, पर मैंने इसे पहले भी पराठा दिया है खाने के लिए, जब तक खीर ठंडी हो जाएगी और जब तक वो पराठा खा लेगा, आड़नी कुटेगा, आड़नी खीर खा लेगा। बस अभी बस मैं खाना बना के फिर नहाती हूँ, 1 बज गया होगा। तो बस ऐसे बेलो, अगर आटा भी ना हो ना, उसमें नमक ना हो आटे में, तो बस नमक मिर्च ऐसे मिर्च डालो जितना है अपने टेस्ट के अनुसार। तो ऐसे मिर्च डाल ली और ऐसे बस नमक डाल के मैं उसे बना दूंगी और इस पर थोड़ा सा डाल देंगे हम तेल यहाँ पे और इसको ऐसे रब कर देंगे इस पर। इसमें अचार वचार की भी ज़रूरत नहीं होती, अचार के साथ तो और भी टेस्टी लगते हैं। बस इसको ऐसे किया और ऐसे ही कर दिया और बस फोल्ड इट एंड फोल्ड। बस आटा लगा के इसको बेल के और फिर तेल लगा लो तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, अगर सब्जी ना हो तो। कभी तो वो इसमें कर दिया ड्रम में करके रख दिया है क्योंकि अभी गेहूँ सूखे नहीं मेरे। किचन का काम हो गया मेरा ख़त्म, आटा भी मैंने करके रख दिया है, खाना बना लिया है। बस अब नहाती हूँ जल्दी से क्योंकि आनी कभी सो रहा है। मिलते हैं आपको बाद में, सुबह बाय। हेलो एवरीवन, और मैं भी नहा ली हूँ, बच्चों को तो पहले ही नहला दिया था, खाना वाना बना के नहा ली हूँ। बस अब जाऊँगी धूम में क्योंकि बच्चे सब धूम में ही बैठे हैं बाल सुखाने, और बस थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं फिर चलते हैं बाहर। और आपको, आप लोगों को मैं एक सूट दिखाऊंगी, मैंने भी सिलवाया था ये, जैसा ये मैंने पहने का ना ऑर्गेन्जा वाला कपड़ा, ऐसे कई मैंने सिलवाया था, दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी मैं परसों ले आई थी पर मैंने उसे अब तक पहन के नहीं देखा, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस यही मैंने लगा लिए और मैं हो गई हूँ बस। अब थोड़ा सा फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस लोशन और बिंदी और बस ये लगा के। और मैं अब ये बाहर जाने से पहले आप लोगों को सूट दिखाती हूँ जो मैंने सिलवाया था। और दोनों बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं, आर्नी कभी आने के लिए कर रहा है, पर मैं अभी थोड़ी देर के लिए जाऊँगी बाहर क्योंकि थोड़ी ठंड सी है, बाहर थोड़े गीले हैं, इस वजह से दिखाती हूँ अभी आप लोगों को सूट। ये मैंने इस पे से ऐसी लेस लगवाई है, अभी दिखाती हूँ। इस पे ऐसी लेस लगवाई है मैंने, अब आगे का पीछे का थोड़ा डीप सा बनवाया है, ज़्यादा डीप नहीं है, 8 इंच ही है, और छोटे आगे का तो बिल्कुल छोटा बनवाया है, 6-6.5 इंच। और बस ये रहा, ये देखो, यहाँ पे ये ऐसे आएंगे बाजू पे। अभी पहना है नहीं, किसी दिन जब पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। सो बस लाइट कलर है बहुत ही, और ये जो सितारे से है ना ये चमकते हैं, इसमें हल्के हल्के से हैं, ऑर्गेन्जा वाला ही कपड़ा है, अस्तर लगा है इसमें। और ये मैंने लेस लगवाई थी, मार्केट से ही लेके आई थी, मैंने सोचा चलिए ये लगा के देखती हूँ। तो बस यही मैंने सिलवाया है और इसकी मैचिंग की मैं चुन्नी लेके आई थी, पर अब थोड़ी अलग लग रही है ये वाली चुन्नी है, ये देखो इसकी चुन्नी है, चुन्नी अलग से लेके आई थी क्योंकि कपड़ा मैंने अलग से लिया था, कोई सूट एक सा नहीं था, कुर्ते का अलग लिया था। और बस मैंने ये दर्जी टेलर से सूट सिलवाया, अब प्लाजो में सोच रही मैं खुद ही सिल लूँ, पर अभी मेरा टाइम नहीं लग रहा है इसलिए मैंने प्लाजो अभी छोड़ रखा है। शाम ही इतनी जल्दी हो जाती है, बट काम के चक्कर में पता भी नहीं चलता दिन,
बस चलो अब चलते हैं हम लोग। भूख लग गई। हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो। हेलो, ये देखो आर्मी यहाँ पे घूम रहा है बाहर। हेलो करो। मम्मा अभी चलेंगे, अभी चलेंगे। भूखी लग गई, भूखी। निकालो हैंड, हैंड निकालो। बो फिर ना, चलो खीर खाना, खीर खाया बनाई मैंने, खाओगे? हेलो अनिक, आपने खाए? इधर देखो, ओए ओए, क्या बना रही है? जूड़ा बनी, जूड़ा बना रही है बेबी का। ये कौन सा स्टाइल बना रही है? जूड़े के साथ अटैच वाली स्टाइल। जूड़े के साथ ही बना रही है। अच्छा, आनिक, आनिक बच्चू, पिजन कब आ रहे आज करके? आनिक इधर देखो, ये दोनों देखो कैसे घूमते रहते हैं। क्या कर रहा है? और अभी आनिक धूम में खेल रहा है, और बनी यहाँ पे जूड़े की फोटो खींच रही है। देखो जूड़ा। हाँ दूर से खींच रही हूँ, एक साइड रुको। ऐसे ही सीख जाएगी बनाना स्टाइल, है ना? गए अंदर, आर्निक, आर्निक आ गया है। आर्निक क्या ले रहे हो? और आर्निक एक ये देखो, एक वॉच ले रहा है। दिखा, इसमें लेजर लाइट है, अंधेरे में ना दिखती है। ये सिंड्रेला, सिंड्रेला की वो दिखेगी शैडो। दिखा ना आर्निक, दिखाओगे? अभी नहीं दे रहा है। आप दिखा दो, अच्छा आप दिखा दो। ये देखो मेरे पास क्या है, और मैं बेटी शो के उठ गई थी, शौक कट गई थी मेरे बाबू। आनिक पूछू, अरे एक शौक कहाँ गई बाबू की? कहाँ निकाली है बाबू ने? और अक्षी, मैंने रात मालिश भी कर ली थी तेल की, गरम तेल की है, गरम करके तेल मालिश कर ली थी मम्मा ने, फिर थोड़ा ठीक हो गया। आनिक को भूखी लग गई है। तो अच्छा चलो बाय कर दो सबको, बाय गाइस। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय कर दो, बाय कर दो, अच्छा बाय कर दो, बाय करो, बाय 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 बाय। बस आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।